इलेक्शन कमीशन ने सेनेट इंतखाबात के शेड्यूल का ऐलान कर दिया। 54 खाली नशस्तों पर पोलिंग 2 मार्च को होगी। 14 फरवरी कागजात नामजदगी जमा कराने की आखिरी तारीख मुकर्रर। मेमोगेट स्कैंडल का 88 सफात पर मुश्तमिल तफसीली फैसला जारी कर दिया। मेमोगेट कौमी सलामती का मसला है। जस्टिस जवाद एस खाजा और जस्टिस एजाज अफसल के इजाफी नोट शामिल। नवाज शरीफ ने कहा है कि जमहूरियत को पनपता हुआ देखना चाहते हैं, किसी गैर जमहूरी इकदाम और मुहिम जोई की इजाजत नहीं देंगे। दूसरी जानब एहसन इकबाल का कहना है कि नवाज शरीफ ने सियासी कायदीन से राबतों का आगाज कर दिया, हुकूमत की जमहूरी अंदाज में तब्दीली नागुजीर है। एनपी ने हुकूमत की हिमायत जारी रखने का फैसला कर लिया। फंदियारवली कहते हैं हर गैर आइनी इकदाम का हाथ रोकेंगे। तहरीक इंसाफ जमहूरियत के साथ है, किसी मिलिट्री टेक ओवर की हिमायत नहीं करेंगे। नून लीग से बातचीत नहीं हो सकती। इमरान खान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। पीर साहब पगाड़ा को पीर जोगोठ में उनके वालिद शाह मर्दान शाह अव्वल के पहलू में सपुर्द खाक कर दिया गया। नमाज जनाजा में वजीर आजम समेत हजारों अफराद की शिरकत। पीर सिबगतुल्ला शाह राशिदी पुरों के नए पीर पगाड़ा मुंतखब। और चीन की जानिब से फ्रांस को 15 जनवरी को 2 पांडे भिजवाए जाएंगे। तैयारियां हतमी मराहिल में।